जय येसु की। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार आप सबों को प्रार्थना भवन टीवी के माध्यम से ईश्वर का संदेश सुनने के लिए निमंत्रित करता हूं, वेलकम करता हूं। आप लोगों को याद होगा, पिछले हफ्ते हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुना था इस विषय पर कि ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील कब होगा और क्रियाशील होना है तो हमें क्या करना है, इन बातों पर हम लोगों ने विचार किया था, आप लोगों को याद होगा। तो आज हम लोग उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम मुख्य रूप से बीज बोने वाले का दृष्टांत के माध्यम से इस बात को और गहराई से समझने का चेष्टा करें, प्रयास करें। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 प्रसंग 1 से आगे यहाँ पर लिखा है, ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला, बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, वे जल्दी ही उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वह जुलूस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। अंत में क्या कहा? जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। इसका मतलब यह नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह बहरे लोगों को वचन सुना रहे थे। प्रभु अच्छे खासे सुनने वाले लोगों को ही वचन सुना रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। बहुत सारे लोगों को सुनने के कान हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। आप और हम भी कई बार इसी कैटेगरी में आते हैं। हम सबों को सुनने के कान प्रभु ने दिए हैं, लेकिन जो सुनना चाहिए उसको नहीं सुनते हैं, जो नहीं सुनना है उनको सुन लेते हैं। उदाहरण के लिए, प्रभु का वचन हमें सुनना चाहिए, हम सुनते नहीं हैं। प्रभु का वचन हमें सुनाना चाहिए, हम सुनाते नहीं हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। और ये बीज वाले दृष्टांत के द्वारा प्रभु क्या बताता है? बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाला स्वयं प्रभु है, ईश्वर है, और बोने वाला वो किसान उस बीज को बोता है। कहाँ कहाँ बोता है? अलग अलग प्रकार की जमीन पर, अलग अलग प्रकार की जमीन में वो अपने वचन रूपी कीमती बीज बोता है। आप में से कुछ लोग किसान हो सकते हैं, खेतीबाड़ी आप कर रहे होंगे, अलग अलग प्रकार की फसल आप उगा रहे होंगे। और जब आप फसल उगाने के लिए बीज लाते हो, आप लोगों को पता होगा कितना महंगा होता है बीज, कितना कीमती होता है। एक दाना भी आप इधर उधर नहीं गिराते हो, एक दाना भी वेस्ट नहीं करते हो, खराब नहीं करते हो, इधर उधर नहीं गिराते हो, क्योंकि आपको पता है बहुत महंगा बीज आया है। जरा सा बीज आया बहुत महंगा, इसलिए आप एक एक दाना बहुत ध्यान से आप बोते हो, कोई खराब ना हो। लेकिन सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु ने दृष्टांत के माध्यम से जो किसान के बारे में बताया है, ये किसान बहुत ही दिलदार व्यक्ति है, बहुत दिलदार व्यक्ति है। और ये किसान बोता गया, हर जगह बोया, हर जमीन में बोया, खांटे में बोया, पत्थर में बोया, और रास्ते के किनारे बोया, और अच्छी भूमि में बोया, सब जगह बोया। आप लोग क्या सोचते हैं, ये किसान अनाड़ी है, खेतीबाड़ी के बारे में नहीं जानता है? जानता था और जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है। इस किसान के अंदर ऐसी एक उम्मीद है, ऐसा विश्वास है कि हर जगह पर फसल आ सकती है और अच्छी फसल आ सकती है। एक उम्मीद है उस किसान को, उस बोने वाले को एक विश्वास है कि एक ना एक दिन यहाँ पर फसल उगेगी, एक ना एक दिन यहाँ पर अच्छी फसल आएगी। उसको एक विश्वास, एक उम्मीद है। इसलिए इस बात को हमें समझने की जरूरत है। अगर इस प्रकार से इस किसान ने बोया है, हर जगह पर कीमती बीज बिखेर रखा है,
क्यों बिखेर रखा, इस बात को समझने की जरूरत है। अब बोने वाला कौन है, अगर इसमें गहराई से हम इसको पढ़ें हमें समझ में आता स्वयं ईश्वर है। और बीज क्या है, वो अनमोल रत्न है, ईश्वर का वचन, ईश्वर का वचन जो बड़े कीमती है, अनमोल है। और उस वचन रूपी बीज को ईश्वर रूपी किसान हर प्रकार की जमीन में बोता है। कौन है वो जमीन, वो जमीन क्या है, जमीन आप और हम हैं। आप और हम अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग मनोभाव के, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड के, अलग अलग प्रकार के टेम्परामेंट रखने वाले आप और हम लोग हैं। और इसलिए उसने अलग अलग प्रकार की भूमि में बोया, अलग अलग लोगों के जीवन में ईश्वर ने अपने वचन रूपी बीज को बोया, हर व्यक्ति में बोया, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ, एक ना एक दिन यहाँ पर फसल उगेगी, बहुत फसल आएगी, हो सकता है 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फसल आएगी, इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ उस किसान ने, उस ईश्वर ने वचन रूपी बीज को बोया। उसको बहुत विश्वास है, उसको उम्मीद है, भले हमको इस बारे में मालूम भी ना हो, लेकिन उसका विश्वास है यहाँ पर एक ना एक दिन फसल उगेगी। और इस विश्वास से वो अपने वचन रूपी बीज को बोता जाता है, बोता जाता है। और सबसे पहले यहाँ पर हम सुनते हैं, बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, रास्ते के किनारे गिरे। रास्ते के किनारे हम सभी जानते हैं क्या हाल है, कोई भी रास्ते के किनारे आज के दिन में देखिए, वो भी बरसात में, बरसात के दिनों में रास्ते के किनारे देखिए कितनी गंदगी, कूड़ा कचड़ा, कहीं कुत्ता मरा है, कहीं बिल्ली मरी है, कहीं कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इतनी बदबू, सड़न, गंदा पानी सब। अब बताइए रास्ते के किनारे जहाँ ये सिचुएशन, ये माहौल, ये मिट्टी इस प्रकार से प्रदूषित हो चुकी है, ऐसी जगह पर किसान वचन रूपी बीज को बोता है। यानी कि रास्ते के किनारे का मतलब पापी मनुष्य, गंदगी, प्रदूषण, हर प्रकार की सड़न, गलना, ये सब रास्ते के किनारे हम देखते हैं। यानी कि पापी मनुष्य का व्यक्तित्व, पापी मनुष्य का व्यक्तित्व, ऐसे पापी मनुष्य के जीवन में भी ईश्वर ने अपने वचन रूपी बीज बोया, वचन रूपी बीज बोया, बड़ा कीमती बीज बोया। और यहाँ पर क्या होता है, रास्ते के किनारे बोया और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया, यानी कि आकाश के पक्षियों ने आके चुग लिया। और वो वचन उस पापी मनुष्य के जीवन में ईश्वर ने अपने अनुग्रह रूपी, वचन रूपी, प्यार भरा रूपी वचन को बोया और वो वचन वहाँ पर पनप नहीं पाया, जम नहीं पाया, उग नहीं पाया, बल्कि आकाश के पक्षियों ने आके उसको चुग लिया, यानी कि बहुत जल्दी वो ख़त्म हो गया, वहाँ पर वो वचन जम भी नहीं पाया। यानी कि जिस इंसान के जीवन में पाप है, पाप भरे गंदगी है, पाप भरे विचार हैं, पाप भरे भावनाएं हैं, पाप भरे एक स्वभाव है, पापों में रहता है, पापों में जीता है, इस प्रकार से रास्ते के किनारे के भांति हर प्रकार के सड़न, गलन, प्रदूषण, बदबू, हर प्रकार से हर प्रकार की बुराई है, ऐसे परिवेश में, ऐसे माहौल में ईश्वर का वचन रूपी बीज, अनुग्रह रूपी बीज, प्यार भरा बीज, अनुकंपा भरा बीज, क्षमा रूपी बीज नहीं पनप सकता है, नहीं उग सकता है। यानी कि वहाँ पर बेअसर होगा, क्योंकि वहाँ पर उपयुक्त नहीं है, जमीन उपयुक्त नहीं है, पाप इतने हैं, बुराई इतनी है, जमीन उपयुक्त नहीं, लायक नहीं है। किसान जानता है कि एक कीमती बीज अगर जमना है, फल लाना है बहुत आयत में, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस जमीन पर, उसमें कंकड़ पत्थर, वो ये घास सब कुछ हटाना पड़ता है, कूड़ा कबाड़ा हटाना पड़ता है, किनारा करना पड़ता है, उसको बार बार जोतना पड़ता है, उस मिट्टी को मुलायम बनाना पड़ता, तैयार करना पड़ता, और इतनी अच्छी बनाता है भूमि, तब जाके जो बीज बोता तब जाके उसमें फल आता है। इसलिए रास्ते के किनारे पापी मनुष्य के जीवन में ईश्वर ने अपने वचन रूपी बीज इसलिए बोया, एक ना एक दिन यह व्यक्ति सुधर जाएगा, बदल जाएगा, उसका मन परिवर्तन हो जाएगा और पापमय कार्य, पापमय योजनाएं, पापमय संगति छोड़ के अच्छाई की ओर आएगा और वहां पर उसके जीवन में फल आएगा। एक उम्मीद है ईश्वर को, ईश्वर को उम्मीद है, एक विश्वास है, इसलिए ईश्वर अपने कीमती वचन रूपी बीज को, आशीष रूपी बीज को पापी मनुष्य रूपी जमीन में बोता है और विश्वास करता है एक ना एक दिन यहाँ पर फल आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम इस बात को समझ लें,
और वो ईश्वर रूपी किसान आगे कहाँ बोता है, देखिए, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, पथरीली भूमि पर। हर कोई व्यक्ति जानता है, चाहे बच्चा भी समझ सकता है, पत्थर के ऊपर अगर कोई किसी ने बीज बोया हो वो जमेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी है नहीं, वहाँ पर मिट्टी नहीं है, वहाँ पर क्योंकि पत्थर बहुत ही कठोर हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तब भी किसान रूपी ईश्वर वचन रूपी बीज को पथरीली भूमि में क्यों बोता है? अब पथरीली भूमि क्या है? ये वे लोग हैं जिनका दिल बहुत कठोर है, स्वभाव बहुत कठोर हैं, और किसी प्रकार की बातें उनको पिघला नहीं सकती हैं, और अपनी बातों पर ही दृढ़ रहेंगे, अटल रहेंगे, जो कहते हैं वही होना चाहिए, कहीं पर झुकने को तैयार नहीं। इतना कठोर, इतना कठोर, पत्थर के समान कठोर, कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भी, ऐसे कठोर घमंड से भरे हुए लोगों के जीवन में भी ईश्वर रूपी किसान वचन रूपी बीज को इसलिए बोता है ताकि वहाँ पर एक ना एक दिन इस व्यक्ति का घमंड चूर होगा, इसका घमंड टूटेगा, ये झुकेगा, ये विनम्र होगा, तब जाके इसके जीवन में ये आशीष रूपी बीज, वचन रूपी बीज, अनुग्रह रूपी बीज उगेगा, पनपेगा, फल लाएगा। इस विश्वास के साथ ईश्वर उसके जीवन में उस बीज को बोता है, वचन रूपी बीज को बोता है। पथरीली भूमि, कठोर स्वभाव के लोग, वहाँ पर भी ईश्वर अपने वचन रूपी कीमती बीज को बोते हुए यह विश्वास करता है एक ना एक दिन इसका कठोर स्वभाव मिट जाएगा, इसका घमंड चूर हो जाएगा, और ये व्यक्ति विनम्र और विनीत होगा। और प्रभु यीशु ने यही कहा, मुझसे सीखो और मुझसे सीखने के लिए तुम्हें विनम्र बनना होगा, विनीत बनना होगा। जो घमंडी है, कठोर स्वभाव के हैं, उनके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और वही बात, जो वचन रूपी बीज वहाँ पर पथरीली भूमि में बोया गया, वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, और वहाँ पर बाइबल में हमें बताया गया है, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। हो सकता थोड़ी बहुत मिट्टी थी, गहरी नहीं थी, जल्दी उग गए और तुरंत खत्म हो गई। सूरज चढ़ने पर वे जुलूस गए और जड़ ना होने के कारण वे सूख गए, वचन बर्बाद हुआ, सूख गया। यानी कि वहाँ पर जो कुछ भी बोया जाता है, अनुग्रह रूपी बीज हो, प्यार भरा बीज हो, दया का बीज हो, क्षमा का बीज हो, वो पनपता नहीं, सूख जाता, खत्म हो जाता है। यानी कि वहाँ पर कठोरता है, कठोर स्वभाव के लोग, और ऐसे में ईश्वर का वचन पनपता नहीं है। हम आगे देखते हैं, कुछ बीज कांटों में गिरे, कांटे हम समझ सकते हैं, कहीं नंगे पैर हम चल रहे हो और हमको छोटा सा कांटा लग गया हो, तुरंत हम पैर उठाते हैं, वहाँ पर उस कांटे को निकालने की कोशिश करते हैं, कितना जरा सा कांटा कितना दर्द करता है, चुभता है, दर्द करता है, जलता है कई बार। यानी कि प्रभु ने वचन रूपी कीमती बीज को कांटीली भूमि में क्यों बोया? और कांटीली भूमि क्या है? कांटीली भूमि वे लोग हैं जिनका स्वभाव दूसरों को चोट पहुंचाना, दर्द देना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों को अलग अलग प्रकार से सताना, और इस प्रकार के लोग बहुत मिलेंगे। इस प्रकार के लोग बहुत हैं जो कांटीली स्वभाव के हैं, चोट पहुंचाने वाले, बातों बातों में चोट पहुंचाने वाले, व्यवहार में चोट पहुंचाने वाले, अपने कार्यों के द्वारा दूसरों को परेशान करने वाले कितने लोग आपको मिलेंगे। और ये कांटीली स्वभाव के लोग हैं, यानी कि कांटीली प्रकार की जमीन के बांति हैं, कांटीली जमीन के सदृश हैं। ऐसी जगह पर ईश्वर अपने वचन रूपी बीज को बोता है, और वहां पर कांटों ने क्या किया? कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कांटों ने क्या किया? वहां पर दबा दिया। मिट्टी शायद नीचे सही थी, पत्थर नहीं थे नीचे, लेकिन कांटे इतने थे, कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। और इस प्रकार से कांटीली स्वभाव के लोग बहुत हैं आज के इस युग में, आज के इस आधुनिक युग में, हमारे परिवेश में, हमारे माहौल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से कांटे उस बीज को बढ़कर दबा लेते हैं, इस प्रकार से दबाने वाले बहुत हैं, यानी कि चोट पहुंचाने वाले, अलग अलग प्रकार से बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हमें दर्द देने वाले, परेशान करने वाले, चोट पहुँचाने वाले बहुत सारे लोग हैं। और वहाँ पर भी वह ईश्वर अपने वचन रूपी कीमती बीज
बीज को इसलिए बोता है, एक ना एक दिन यह व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलेगा, दूसरों को चोट पहुंचाना छोड़ देगा, चोट पहुंचाने के बदले दूसरों की सहायता करेगा, दूसरों की मदद करेगा, अपने व्यवहार के द्वारा, बातों के द्वारा दूसरों को सताता है, अत्याचार करता, परेशान करता, दुखी करता, ऐसा नहीं करेगा। एक विश्वास ईश्वर के मन में है, दिल में है, इस विश्वास के साथ वो ईश्वर अपने वचन रूपी बीज को अलग अलग भूमि में बोता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कुछ बीज रास्ते के किनारे यानी कि पापी मनुष्य के जीवन में ईश्वर ने वचन रूपी बीज बोए, कुछ बीज पथरीली भूमि पर बोए यानी कि कठोर स्वभाव के लोगों के जीवन में बोए, कुछ बीज कांटीली भूमि में बोए यानी कि चोट पहुंचाने वाले, दर्द देने वाले लोगों के जीवन में ईश्वर ने अपने वचन रूपी बीज बोए, और कुछ बीज यहां पर बाइबल में बताया गया, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, बाकी सभी जगह बोया यानी कि मेहनत की, वहां पर, यहां पर अच्छी भूमि पर गिरे, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, और जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे वे फले फूले और 30 गुना 60 गुना या 100 गुना फल लाए। केवल जो बीज अच्छी भूमि में गिरे केवल वहीं पर 30 गुना 60 गुना या 100 गुना फल आया। अच्छी भूमि वो है जो इंसान अपने दिल रूपी खेत को साफ रखता है, पाक रखता है, पवित्र रखता है, मन के विचारों को शुद्ध रखता है। इस प्रकार के शुद्धता से भरा हुआ इंसान, नेक इंसान, जिसको हम आदर्श इंसान बोलते हैं, एक अच्छा इंसान, और उसके दिल रूपी खेत में ईश्वर का वचन रूपी बीज बोया जाता है, वो वहाँ पर उग जाता है, जम जाता है, धीरे धीरे पेड़ बनता है और फल लाता है, 30 गुना 60 गुना या 100 गुना फल लाता है। इस प्रकार से वो फलवान, फलदायक व्यक्ति बनता है। और इस प्रकार से प्रभु अपने दृष्टांतों के द्वारा हम सबों को क्या सिखाता है, हम सबों को यही सिखाता है कि वह ईश्वर हमारे साथ पक्षपात नहीं करता है। वह ईश्वर, बोने वाला किसान स्वयं ईश्वर है, अपने आशीषों को देने में, अपने वरदानों को देने में, अपने अनुग्रह को बरसाने में, अपनी दया दिखाने में, अपने अनुकंपा जताने में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, कोई पक्षपात नहीं करता, सभी जगहों पर बराबर वो देता है, हर व्यक्ति को देता है। लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि मैं किस प्रकार का जीवन बिता रहा हूं। अगर मैं कांटीली भूमि के सदृश हूं यानी कि मेरा स्वभाव है दूसरों को चोट पहुंचाना, मैं अपने बातों के द्वारा गलत शब्दों के इस्तेमाल करते हुए, कठोर शब्दों के इस्तेमाल करते हुए दूसरों को चोट पहुंचाता हूं, दूसरों को दर्द देता हूं, दूसरों को परेशान करता हूं, दूसरों को दुखी करता हूं, मेरे व्यवहार के द्वारा दूसरों को सताता हूं, तो प्रभु का संदेश मेरे लिए है, कांटीली स्वभाव के मनुष्य मैं तुझ पर भी उतना ही खर्च कर रहा हूं, उतना ही बीज तुमको दे रहा हूं, उतना ही आशीष दे रहा हूं, तुम अपने जीवन के कांटे तो निकालो, अपने जीवन के कांटे निकालो, उन सभी दूसरों को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति आदत छोड़ दो और अच्छी भूमि जैसे अच्छा इंसान बन जाओ। प्रभु का संदेश हम सभी लोगों के लिए, और विशेष रूप से कांटीली भूमि के सदृश लोगों के लिए यही संदेश है, अच्छी भूमि जैसा बन जाओ। वह ईश्वर इसलिए अनुग्रह पर अनुग्रह हमें देता है। जो भूमि पथरीली भूमि के सदृश हैं वे लोग हैं जो कठोर स्वभाव के हैं। कठोर स्वभाव जब होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभु वहाँ पर भी पथरीले भूमि पर अपने वचन रूपी बीज को इसलिए बोता था कि इंसान अपने कठोरता त्याग दें, छोड़ दें, अपने घमंड को छोड़ दें, अपने अहंकार को छोड़ें, क्योंकि घमंड अहंकार कभी काम नहीं आता, किसी का काम नहीं आता। इसलिए उस घमंड को, अहंकार को छोड़ते हुए प्रभु यीशु के भांति विनम्र विनीत बने, और जो व्यक्ति विनम्र विनीत बन सकता है, बनने को तैयार है, बनने की कोशिश करता, प्रयास करता है, उस व्यक्ति के जीवन में ईश्वर का वचन रूपी बीज या अनुग्रह रूपी बीज या आशीष रूपी बीज जब आता है मुफ्त में, वहां पर वो फलदायक बन जाता है, वहां पर वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल उत्पन्न करता है। इसलिए प्रभु हमें यही संदेश देता है, विशेष रूप से पथरीली भूमि के सदृश लोगों के लिए, कठोर स्वभाव के घमंडी अहंकारी लोगों के लिए प्रभु यही कहता है, विनम्र बनो, विनीत बनो, तब जाके तुम जिंदगी में तरक्की कर पाओगे, आशीष कर पाओगे। घमंड इंसान को घिराता है, आगे नहीं बढ़ाता है, ऊपर नहीं उठाता है, बल्कि नीचे गिराता है। इसलिए प्रभु का संदेश उन सभी लोगों के लिए यही है कि विनम्र विनीत बनो, कठोर मत बनो, बल्कि मुलायम बनो, और इस प्रकार से ईश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए विनीत बनो। प्रभु का संदेश यही है। और जो लोग रास्ते के किनारे की भूमि के सदृश हैं यानी कि जो अलग अलग प्रकार के पापों में फंसे हुए हैं, बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, उन सबों से प्रभु का संदेश यही है,
पापमय जीवन त्यागो, अन्यथा आप तरक्की नहीं कर सकते हो। नबी शास्त्र का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है, उसका कान बहरा नहीं है, वह सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया है, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया है, इसलिए वह तुम्हारी नहीं सुनता। यानी कि पापी मनुष्य अपने पाप में जीवन ना त्यागें, पाप को ना छोड़ें, पाप के लिए पश्चाताप ना करें, तो ईश्वर स्वयं बोलता है मेरा हाथ बचाने में समर्थ जरूर है, वह हाथ छोटा नहीं हुआ है, लंबा जरूर है, मेरा कान तुम्हारी प्रार्थना सुन सकता है, बहरा नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना मैं अनसुना कर दूंगा, तो मेरे हाथ तुमको नहीं बचाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापों ने मुझे तुमको विमुख कर दिया है, अलग कर दिया है, और इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। ईश्वर उनको उत्तर देता है, इसलिए ईश्वर उम्मीद करता है और उम्मीद के साथ सारे आशीषों को देता है, कृपाओं को देता है, और निमंत्रण देता है वापस लौटने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, सही रास्ते पर आने के लिए। लेकिन जब इंसान उन सभी बातों को ठुकराता है, ईश्वर के आशीषों से वंचित हो सकता है। इसलिए प्रभु हमें इस बीज वाले दृष्टांत के द्वारा बहुत सारे संदेश देता है, और विशेष रूप से अपने प्यार भरा निमंत्रण देता है, हर प्रकार के, हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के, हर स्वभाव के लोगों को बुलाता है। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम सभी मेरे दृष्टि में महत्वपूर्ण हो, महत्व रखते हो और मूल्यवान हो, मैं सबसे बराबर प्यार करता हूँ, इसलिए बराबर तरीके से सबको ईश्वर आशीष देता और बुलाता है। मती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। प्रभु क्या कहता है इस वचन के द्वारा? प्रभु कहता है, देखो अगर हम प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम उस प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताएं। प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताएं, उसके आज्ञा के अनुसार, आदेश के अनुसार जीवन ना बिताएं तो व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कुछ भी हमारे जीवन में व्यर्थ हो, कुछ भी हमारे जीवन में बेकार हो। इसलिए हम फलदायक बने रहना चाहते हैं, फलदायक जीवन बिताना चाहते हैं, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताना होगा, वचन को ग्रहण करना होगा, वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा, वचन हमें और बेहतर बनाएगा, अच्छा बनाएगा, और मेरे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को आशीष प्राप्त होगी, यही बात प्रभु बताते हैं। इसलिए हमें ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए ईश्वर के योजना के अनुसार जीवन बिताना होगा, प्रभु का वचन हमें यही बताता है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। यानी कि हर व्यक्ति के लिए प्रभु यही संदेश देता है, पवित्र बनाए रखो, पवित्र बनो, पवित्र बनाए रखो अपने आप को, कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अगर हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट होने हैं, आशीषों की वर्षा होनी है, बरकत मिलनी है, तरक्की करनी है, तो हमें एकमात्र काम करना होगा, हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना होगा। हमारे विचार पवित्र हो, हमारे बातें पवित्र हो, हमारी सोच पवित्र हो, हमारे कार्य पवित्र हो, हमारी भावनाएं पवित्र हो, अगर ये सब पवित्र होगा और वहाँ पर चिन्ह चमत्कार जरूर होंगे, क्योंकि प्रभु का वादा है, अपने को पवित्र बनाए रखो और कल मैं तुम्हारे आंखों के सामने चिन्ह चमत्कार प्रकट करूंगा। और निश्चित रूप से प्रभु अपना वादा निभाएगा, क्योंकि प्रभु स्वयं वादा करता है, अपने को पवित्र बनाए रखो और मैं कल तुम्हारे आंखों के सामने चिन्ह चमत्कार प्रकट करूंगा। आगे प्रभु का वचन बताता है, पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 15 और 16 में प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पेत्रुस के पत्र के माध्यम से ईश्वर हम सबों से कहता है, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, इसलिए आप भी अपने समस्त आचरण में पवित्र बनो। हमारे समस्त आचरण में, हमारी बोलचाल, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे उठने के बैठने के तरीके, तौर तरीके, हमारे जीवन का हर एक पहलू, उन सभी के माध्यम से वो पवित्र आचरण, समस्त आचरण में पवित्र बनने के लिए प्रभु का वचन हमें बताता है। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, स्रोत अध्याय 19 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन बताता है,
प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है, मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे प्रिय लगे। मुंह से निकलने वाली बात और मेरे विचार वे सब के सब तुझे प्रिय लगे, अच्छे लगे। इसलिए प्रभु हमें बुलाता, हम पवित्र बने तभी जाके हमारे जीवन में आशीष आएगी, असर होगा हमारे जीवन के द्वारा, दूसरों के लिए लाभ होगा। इसलिए प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा बुलाता है, निमंत्रित करता पवित्र बनने के लिए, विचारों से, बातों से, सोच से, कार्यों से, हर प्रकार से। वो पवित्रता हम सबों के जीवन में बहुत ही जरूरी है, प्रभु का वचन हमें बताता है। आयुब का ग्रंथ अध्याय 11 प्रसंग 13 और 14 में प्रभु का वचन बताता है, तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ और उसके सामने अपने हाथों पसारो। यदि तुमने पाप किया है, पापों को दूर रखो, अधर्मों को अपने यहाँ नहीं रहने दो। यानी कि तुम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओ, उसके सामने अपने हाथों को पसारो। यदि पाप किया है तो पापों को दूर फेंको, अधर्मों को अपने यहाँ नहीं रहने दो। इस प्रकार से ईश्वर का वचन हमें बुलाता है, निमंत्रित करता है। अगर ईश्वर का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील होना चाहिए, असरदार होना चाहिए, हमारे जीवन में ईश्वर के वचन के द्वारा आना चाहिए और हमारे जीवन में ईश्वर के वचन के द्वारा आशीष आनी चाहिए, तो हमें इन सभी प्रकार के बुराइयों से, कंकड़ पत्थरों से और कांटों से और प्रकार के पाप में गंदगी से हमें दूर रहना होगा, शुद्ध करना होगा। जिस प्रकार से किसान अपने खेत को तैयार करता है हर प्रकार के पत्थर कंकड़ निकालते हुए, उसी प्रकार से अगर हम करेंगे हमारे जीवन में वो प्रभु की आशीष आएगी। इस प्रकार से प्रभु हमें बताता है, फल से पेड़ की पहचान होती है, उसी प्रकार से हमारी पहचान हमारे जीवन से द्वारा होगी। अच्छा मनुष्य अपने दिल के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने दिल के भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, इसलिए प्रभु हमें चाहता है कि हम अच्छा फल देने वाले अच्छे पेड़ के समान अच्छा मनुष्य बने। अच्छा मनुष्य अपने दिल के भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है, इसलिए अच्छी अच्छी चीज़ें निकालना हो दिल के भंडार से। हमारा भंडार अच्छा हो, भंडार में बहुत कुछ अच्छा भरा हुआ हो, दिमाग में भंडार में बहुत सारी अच्छी चीजें भरी हो, तब जाके अच्छी बातें हमारे मुंह से निकलेंगी, अच्छे व्यवहार हम कर पाएंगे और अच्छे पेड़ के बांधे अच्छा मनुष्य बन पाएंगे। अपने दिल के भंडार से अच्छी चीजें जो निकालता है वो मनुष्य अच्छा मनुष्य है, और उस प्रकार से बनने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। इसलिए भाइयों बहनों हम प्रयास करें, कोशिश करें, प्रभु का वचन हमने सुना है, वचन हम सबों के जीवन में असरदार हो, वचन हमारे जीवन में क्रियाशील हो, इस प्रकार से हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आए और ये फल हमेशा आते रहे, और इस प्रकार से हम सभी फलदायक बनते हुए प्रभु की महिमा करने वाले हम सभी बन सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आपने अपने वचन हम सभी लोगों पर, वचन रूपी बीज को हम सबों के जीवन में बोया है, आशीष का बीज बोया है, अनुग्रह का बीज बोया है, कृपा का बीज बोया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बीज को हमारे जीवन में ग्रहण करते हुए, उसके अनुसार जीवन बिताते हुए फलदायक बने रहने के लिए हम सबों को सिखाइए, हम सबों को कृपा प्रदान कीजिए। यह दुआ हम करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय यीशु की। Jesus, love.